सोलन के किसान जंगली जानवरों और बंदरों से बेहद परेशान थे क्योंकि ये किसानों की फसल को तहस नहस और पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे। यहाँ तक कि कुछ किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया था। वे अपने बच्चों को कृषि के बजाय आसपास चल रहे उद्योगों में रोजगार दिलवाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा किसान की फसलों की रक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन्हें 85% का अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसके चलते सोलन के किसान बेहद खुश हैं और वे इन योजनाओं का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। ये जानकारी कृषि विभाग के SMS HL आजाद ने दी। कृषि विभाग के SMS HL आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगली जानवरों और बंदरों से फसल को बचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाने के लिए 85% का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा यौगिक फेंसिंग लगाने के लिए 70% का अनुदान दे रही है। उन्होंने बताया कि तीसरी योजना के तहत कांटेदार तार लगाने के लिए भी किसानों को 50% का अनुदान दिया जा रहा है। इन तीनों योजनाओं का सोलन के जागरूक किसान भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के नाम से ये स्कीम विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सबसे पहले जो आया था इलेक्ट्रिक सोलर फेंसिंग जो आई थी वो 80% अनुदान पर व्यक्तिगत रूप से और 85% अनुदान पर सामुदायिक रूप से दी जाती है। उसके बाद ये स्कीम जो है अब इसके ऊपर मॉडिफिकेशन आई है। अब कंपोजिट फेंसिंग के नाम से स्कीम आई है जिसमें नीचे 4 फुट या 2 फुट की मैश लगती है, जाली लगती है, और उसके ऊपर 5 या 3 तारें इलेक्ट्रिक वायर के रूप में लगाई जाती है। जो हाई टेंसाइल वायर होती है, ST वायर, वो लगाई जाती है। ये 70% अनुदान पर विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। और तीसरी स्कीम जो है वो सेल्फ मोड में है जिसे किसान खुद भी कर सकता है। वो कांटेदार तार जिसे बार्बर वायर के नाम से जाना जाता है वो 50% अनुदान पर किसानों को विभाग द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। उसमें किसान को 50% अनुदान विभाग देता है और 50% जो है किसान अपने स्तर पर खर्च करता है। ये तीनों ही तरह की फेंसिंग जो है वो किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर हो रही है और लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है जो है जैसे बंदरों से और जो आवारा पशु स्ट्रे एनिमल्स हैं उनसे फसलों को बचाने का जो है बचाने के लिए किस विभाग द्वारा किसानों को ये स्कीम उपलब्ध करवाई जा रही है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और किसानों के जो रुझान है इसके प्रति बहुत किसान जागरूक हो चुका और सारे चाहते हैं कि हमारे खेतों में ये फसलों को बचाने के लिए लगे। हमारे पास कुछ एप्लीकेशन पेंडिंग है, अभी हमें कुछ बजट विभाग द्वारा उपलब्ध हुआ था जिसके अंतर्गत हमने केसेस भेज दिए हैं, सैंक्शन भी हो गए हैं और उनका जो है वो किसानों के खेतों में कार्य भी लगभग सभी के शुरू हो चुका है।